नमस्कार, स्वागत है सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और आप सबके लिए आज एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। तो कमोडिटी बाजार के अपडेट से शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे कमोडिटी बाजार में नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। हम देख रहे हैं कि आज सोना चांदी लाल निशान के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। सोना $1,749 पर और चांदी $22 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी सुबह के कारोबारी सत्र में जो सोना चांदी का वायदा बाजार है वो एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लाल निशान पर खुलता हुआ नजर आया आज सोना चांदी। दरअसल फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से अब ये जो संकेत दिए गए हैं कि वो पहले से ही ब्याज दरों में कुछ बदलाव कर सकता है, इसकी वजह से जो निवेशक हैं वो सतर्क हो गए हैं और इसकी वजह से हम सोने चांदी की कीमतों में जो निवेश है वो कम होता हुआ देख रहे हैं और इक्विटी मार्केट ज़्यादा उछलती हुई नज़र आ रही है। और सोने चांदी की कीमतों में जो ये अभी क्या कहते हैं, ये जो रुझान है नरमी वाला, सीमित दायरे वाला, अब ये काफ़ी समय तक जारी रह सकता है जब तक फेड की तरफ से जो बयान है वो क्लियर नहीं हो जाते और ब्याज दरों में जो लेकर जो अभी संकेत दिए जा रहे हैं फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से वो पूरे तरीके से क्लियर नहीं मिल जा हो जाते, एक पूरी क्लियरेंस नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती है कि बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तब तक सोने चांदी कीमतों में एक नरमी वाला रुझान देखने को मिलता रहेगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा जी, आइए उनसे जान लेते हैं कि आज सोने चांदी का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि आज भी हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सोने चांदी का बाजार लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, अब आपको क्या लगता है ये सोने चांदी में जो गिरावट वाला रुझान है ये कब तक जारी रहेगा? देखिये, सोने और चांदी के अंदर गिरावट जो है वो कंटिन्यूशन में अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने लगातार बताती आ रही हूँ कि एक रेंज बाउंड है, 45,000 से 48,000 की रेंज जो है वो बनी रह सकती है और आज भी हम देख रहे हैं कि बाजार उसी रेंज में है, नीचे में आज 46,000 के नीचे बाजार घरेलू बाजारों में लुढ़कते हुए दिखाई दिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी दबाव बना है। तो फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है कि आज इंटरडे में 45,800 तक बाजार लुढ़क सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से कच्चे तेल की तो देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 के बेहद करीब है, WTI भी $76 पर है, क्रूड के अंदर लगातार बढ़त ही देखने को मिल रही है। रूपा जी अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कच्चे तेल में बढ़त देखने को मिल रही है तो क्या ब्रेंट क्रूड ऑयल $82 से $85 का भी लेवल दिखा पाएगा? देखिए बिल्कुल, जो ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें तो ब्रेंट क्रूड के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, सॉरी बढ़त देखने को मिल रही है और WTI में भी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। $76 के आसपास WTI पहुंच चुका है और ब्रेंट $80 के बेहद करीब है और मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में $80 का लेवल जो है वो टच कर सकता है, इनफैक्ट उससे भी ऊपर जा सकता है। तो $82 तक मैक्सिमम एक बार फिलहाल अपसाइड बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। तो $82 के लिए कच्चे तेल में खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जो हमने टारगेट दिया था 5600 का वो आज अचीव हो चुका है, 5600 के ऊपर मार्केट दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अब इसी तरीके से अगर ये तेजी बनती रही तो ऊपर में 5600 के बाद अब लेवल जो है वो 5580 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है डोमेस्टिक मार्केट में तो ऊपर में हमें 5720 से लेकर 5800 के बीच स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि कच्चे तेल में 5700 से लेकर 5800 तक के लेवल सभी भी देखने को मिल सकते हैं अगर ये वाला टारगेट अचीव हो जाता है तो। ये सर पर जी बात करें बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर $4.2 पर आज भी सस्टेन होकर चल रहा है, आधे फीसदी की तेजी है, अब आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में कैसे रुझान देखने को मिल पाएगा आज इंटरडे के अंदर? देखिए बेस मेटल्स में भी अखिलेश वापसी से बाजारों में एक तेजी का माहौल बना है और जो खरीदारी है वो निचले स्तरों पर देखने को मिल रही है और कॉपर जो आज 720 के ऊपर निकल चुका है, अब फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है कि कॉपर एक बार 740 तक के स्तर छूता हुआ नजर आ सकता है, वही निकल में भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जिंक में आज हल्की गिरावट है, 258 के आसपास सपोर्ट है, वहां से वापिस से 262 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज कच्चे तेल में और कॉपर में, इन दोनों कमोडिटीज के अंदर बाय करके चला जा सकता है, इनके अंदर आने वाले दिनों में तेजी का रुझान बना रहेगा। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल और कॉपर में इंटरडे में खरीदारी करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, नमस्कार।